करना है क्या? इधर भी लग रहा हो, वापस साइड ये पे हैंगिंग जाना ब्रिज है, वो झूलता भी है इतने बारिश बारिश में। मुझे ये हैंगिंग ब्रिज क्रॉस करना होगा, इधर लग है। रहा जाओ हूँ मैं कि रास्ता है ना, क्या है धीरे दिखता हूँ धीरे। तो रास्ता दिखता है। हाँ जल्दी लग गया भाई, लगता है मैं बहुत इसमें, थोड़ा बहुत मुझे गया। नदी ने चारों ओर से घेर लिया। तो आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा रफ ड्रेस में हूँ, इसलिए कि मैं एक आज बारिश भी हो रहा है, यहाँ पे बारिश हो रहा है और मैं जा रहा हूँ जंगल में। एक मेरा न्योबो है, मेरे जीजा जी है, उन्होंने मुझे बोला है कि आज उसके खेती में पूजा हो रहा है, तो हम मुझे बुलाया है कि जो आप भी आइए, तो मैं जा रहा हूँ मेरा न्योबो के घर में और खेती में, और क्या पूजा होने वाला है आप सभी वीडियो में बने रहे, मैं आप सबको दिखा दूंगा। और जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं नए हैं, वो मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। वाग बस्ती मैं आज पहुंच गया हूँ। अभी फिर मैंने अपना घर ही वहाँ पे रखा है, वहाँ से मैं मुझे पैदल जाना है, यहाँ से मुझे पैदल जाना है बहुत दूर, लगभग 1 किलोमीटर होगा शायद, 1 किलोमीटर जैसा होगा। ये जंगल रास्ता से गाड़ी यहाँ जाना तक नहीं है। आ सकता है, यहाँ से होके जाता है। आज जो मेरा जीजा जी का जो पूजा हो रहा है उससे खेड़ी पे, तो इसी रास्ता से जाना है उनके गांव से, पोपड़ी से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पे उनकी कैटी। तो जब लोग पहले चला गया, गांव वाला पहले चला गया, मैं थोड़ा लेट हो गया, अभी मुझे जाना है अकेला यहाँ इसी रास्ते पे। तो बारिश भी हो रहा है, ज़ोरदार बारिश भी हो रहा है और बहुत स्लिपी है, संभाल के जाना होगा मुझे, स्लिपी है ये। इसी रास्ते पे कब तक तो पहुंच जाएगा, बहुत दूर। एक्चुअली मुझे रास्ता भी मालूम नहीं था, रास्ता मालूम नहीं, मुझे पूछ पूछ के जाना पड़ रहा है। और इस वक्त मैं अभी किसको पूछूं, यही सारे कहती है यहाँ पे कोई हो सकता है, मैं इनसे पूछता हूँ। मुझे पता नहीं अभी मैं किस कहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक गांव वालों ने बताया मुझे इसी रास्ते पे जाना है। देखता हूँ यहाँ से, अगर इधर यहाँ पे कोई होता मैं पूछ सकता हूँ किस तरह जाना है। तो मैंने बहुत दूर तय किया है रास्ता, अभी और जाना है यहाँ से। शायद वहाँ पे एक ब्रिज है, वहाँ से क्रॉस होता है तो यहाँ पे जाता है कि, या तो कोई नहीं है यार, पानी के टी वहाँ पे भी कोई नहीं है, शायद वहाँ पे ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज है, तो वहाँ से जाता है कि। सर मुझे, मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ। अरे मैं कहाँ आ गया सर, मैं भूल गया हूँ, भटक गया हूँ रास्ता। यहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं है, किसको कॉल करूँ और किसको पूछूँ कहाँ से जाना है रास्ता। एक ब्रिज है, यहाँ से तो नहीं ज़्यादा बताया मुझे, वहाँ पे शायद कोई है कैटी में। मुझे ये हैंगिंग ब्रिज क्रॉस करना होगा, डर लग रहा हूँ मैं, धीरे धीरे चलना होगा मुझे। वो इतने झूल रहे हैं, क्या करूँ, नहीं बराबर बारिश, पानी, नदी, मुझे यहाँ से क्रॉस करके लेफ्ट साइड जाना है, मैंने पूछा था, बताया था कि बड़ा बारिश मेरी बारिश भी है। वाह वाह, इसकी है
बहुत रिस्की है, खतरनाक है, संभाल के चलना होगा मुझे। वाह वाह, आखिरकार मैं क्रॉस कर दिया इस ब्रिज को। वाह, अभी यहाँ से मुझे जाना है, यहाँ से नीचे नाम के जाना मुझे। आखिरकार मैंने ब्रिज क्रॉस कर लिया, फिर मुझे जाना है यहाँ से। वाह, इतने पानी, मैं तो जूठा पहना हुआ, मैं तो जूठा पूरा भीग गया। वाह, शायद मैं आप सबको भी एक बार बताना चाहूँगा कि आप बिना रास्ता जाने कहीं मैं भी इस तरह ना जाए, अगर जाए तो किसी को ज़रूर पूछ के जाए। यहाँ से फिर मुझे जाना है लेफ्ट साइड, फिर वहाँ से एक टेटी है, यहाँ से मुझे जाना है। अरे 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 अरे, मुझे कहाँ से जाना है, मुझे कहाँ से जाना है, ये तो रास्ता नहीं है यहाँ पे, फिर मैं गलत जगह आ गया। या फिर एक नदी है, नाला है, बहुत साफ पानी भरा हुआ है, मैं कहाँ से जाऊँ, यहाँ से मैं कहाँ से जाऊँ, ये तो गलत रास्ते पे आ गया फिर मैं। अरे अरे अरे, और किसको पूछू, अभी किसको पूछू, शायद वहाँ पे कोई है, वहाँ से है, उनको मैं पूछ के देखता हूँ। चलिए फिर वापस, आप जितने दूर आए थे उसने दूर वापस, चलिए। वाह, क्या मुसीबत है, बिना रास्ता जाने कहीं भी जाना बहुत कठिन है, किसी को पूछ पूछ के जाना बहुत तकलीफ है। अभी मैं फिर वापस जाना पड़ेगा, मुझे जितने दूर आया था उतने दूर वापस जाना पड़ेगा। अभी चलिए, वहाँ पे कोई है केटी में, उनसे पूछ के देखता हूँ। उसके बाद मुझे फिर किसी से पूछना पड़ेगा रास्ते कहाँ पे है। मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे मालूम नहीं था रास्ता, या नेटवर्क भी नहीं है, किसको कॉल करो। अरे 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 अरे, यहाँ पे फिर एक नदी है, इसको मैं कैसे क्रॉस करूँ। अरे मैं कहाँ भटक गया, या तो रास्ता है ही नहीं, मैं किसको पूछूं, या तो कोई नहीं हो, किसको पूछूं किसको पूछूं। वाह, ये क्या मुसीबत आ गई है यार, मैं अभी एक किला वाले से पूछा तो इसी रास्ते से जाना है, आगे जो रास्ता बोलोगे वहाँ पे एक छोटा सा बाम्बू से बनाया एक छोटा सा ब्रिज था, तो पानी ले गए, तो अभी मुझे फिर दूसरा रास्ता चुनना होगा, देखते हैं यहाँ से कहाँ चलते हैं। क्या मुसीबत आ गई यार, मैं आज पहली बार जा रहा हूँ नियमों के केटी पे, शायद मैं अकेले हूँ, रास्ता भूल गया हूँ, रास्ता भटक गया, मैं कहाँ से रास्ता जाना, एक गांव वाला ने बताया मुझे इसी रास्ते से जाना, फिर वहाँ से पानी क्रॉस करके फिर एक रास्ता मिलेगा, हाँ फिर वहाँ से मुझे नीचे फिर जाना पड़ेगा, बहुत दूर और जाना पड़ेगा। सभी बने रहे वीडियो पर, रास्ता भटक भटक के चल चल के हालत ख़राब हो गई, क्या करें, फिर जंगल में अकेला डर भी लगता है, किसी से पूछ पूछ के चल रहा हूँ। ये देखिए पूरा जंगल जंगल, और मैं अकेला, रास्ता भी, बारिश भी है, बहुत जोरदार बारिश भी हो रहा है,
और किसको कॉल करूं, नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पे। थक गया, थक गया। हल्की कार में पहुंच गया रास्ता मेन रोड। यहाँ से फिर मुझे जाना पड़ेगा काफी दूर। मैंने पूछताछ किया, सभी से पूछताछ किया तो एक्चुअली मेन रास्ता ये नहीं था, मैं गलत रास्ते पे आ गया था। मेन रास्ता जो वाक रागी से होके आता है और वो वाक बस्ती से होके आता है, मैंने वाक रागी से होके आया, मैं वाक रागी से होके आ गया तो मैं भूल भटक गया रास्ता। एक्चुअली वाक बस्ती से होके आता है, वाक भी दो है, एक वाक बस्ती है और एक वाक रागी है। पूरा बदन में गीला हो गया ताकि मुझे यहाँ से फिर इधर जाना पड़ेगा, बहुत दूर, काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। फिर मुझे अपना गाड़ी लेने के लिए बाद में फिर वाक से निकलना पड़ेगा, वाक बस्ती से निकल के फिर वहाँ से मेन रोड से जाके फिर वाक बस्ती वरागी बस्ती फिर जाना पड़ेगा। चलिए, मैं वाक और वाक रास्ते रागी में थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, इसलिए भटक गया मैं। डायरेक्ट वाक बस्ती से होके आता तो सीधा यहाँ पे पहुँच जाता, लेकिन मैंने वाक रागी से होके आ गया तो यहाँ पे रास्ता ठीक ठक नहीं है, पूरा मैं भटक गया। अभी मुझे यहाँ से पैदल बहुत दूर जाना है। मैं उसी केटी पे बहुत भटकता रहा हुआ मैं। अच्छा हुआ पे मुझे कोई मिल गया, उन्होंने मुझे बता दिया वहाँ पे एक मेन रोड है, एक वहाँ से जाना है। वाह वाह, मुझे गाड़ी दिख रहा है, वही है शायद, यही है न्यूबो का केटी यही पे। हाँ, एक कार में पहुँच गया। हाँ, थोड़ा सा बधाई ओलोखला हिर गए आज भाजो के। किरा मुझे मिल गया रास्ता, स्पॉट मिल गया, बहुत खुशी हो रही। जब आप अकेला जंगल में भटक जाए उसके बाद आपको आपका स्पॉट मिल जाए तो कितना खुशी होगा, वो भी आप सोच लीजिए। ये देखिए पहुंच गया मैं, तो वहाँ पे है कोई लोग है शायद, इसी पे काम कर रहे हैं। किधर में पहुंच गया है स्पॉट, हाँ ही खुले वही मत को वो हिर गंगा ना ये खाना वाला रगी घाप खुला। अब तो हो गया आपको इसी रास्ते पे जाना है, ये भी रास्ता भी बहुत रिस्की है रे। वाह, वहाँ से जाना है मुझे। बताए रिस्की है, गिरकर मिल गया मुझे स्पॉट, मिल गया स्पॉट। वाह वाह, ये भी कोई रास्ता है क्या? मुझे तो नहीं लगता ये रास्ता। तीन घंटा हो गया मतलब मुझे। वाह, ये देखिए मेरा जब गार्डन फाइनफल सर। हाँ,
लो भैया फिर क्या कर आया खुला खाई घर में पहुंच गया है एक मेरी कम दे है मुंडा का ये गाना मोला मैं मुर्दी फ्ला बदम अब वो कहने नहीं ले नहीं तो वाले ये देखिए मेरा नोबो बहुत मेहनती है नोबो इनका बहुत बड़ा गार्डन है बागान है उन्होंने खुद अपना मेहनत से लगाया है और ये जो बहुत उनका घर से बहुत दूर है 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है फिर भी वो यहाँ में आके खेती टाइम निकाल के खेती करते हैं ये मेरे जो गार्डनिंग करने में बहुत दिलचस्पी लगते हैं यह साल उन्होंने एक बंद गोभी का बहुत बड़ा बागान किया था अपने खेती पे पानी खेती पे और अभी ये बाहर पे बहुत खेती कर रहे हैं मतलब अपना बाहर का गार्डन बागान जो है बहुत किस्म का वो अभी लगाया हुआ है यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं इनसे भी बहुत पैसा कमाते हैं और आप सभी को मैं बस्ती वाला जो गांव में रहते हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा आप इस तरह मेहनत कीजिए अपना गार्डन का भगन कीजिए मैं आपको बहुत पैसा मिलेगा भगन का हेलो फाइनली मैं मिल गया अपने नोबो को ये मेरा नोबो मेरा जीजा जी आज इनके बागान पे आया हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पूजा किया जा रहा है नोबो मैं नको हेलो यो यो हुई गोबे मधु को हे लिल्ले लिल्ले गो आई लिल्ले गो अलना है अलमान है अलना अलनाइट कनोक ये आपका बागान में बहुत किस्म का आपने सब्जियां लगाया है फल लगाया है या दोकेम शुरू करना ये 2019 ओके शुरू दो 2019 यो यो होबे न लले गेल तो 3 साल तक 3 साल आई दूसरे याद साल लोबे म पूरा अखे लगाई दूसरे 7 इयर्स लो है ना इनका 10 इयर्स लो है दो ही है दो नोक होक बागानी रवनम इदा बागान हो यो यो बे पादु को इदा पानम कादो इदा बागान होक नो जकर पुग दो ओका तो ना कोपक कोपक बाग नै दो लु किदो ओइन ताप ना किसुम ना हेंगो कि दु दु बागानी दे लगे अभियान नोक बागानम आल्दो बे हमना नै बागानी माल्दो बे नो हो हिन बागानी हिनाम लगा बाल्दो बे हिलो उई गो इपक्ता दुना लिल्ले गो आई हो आदर गो एक दरुम गो इकी आदर गो परक कुई योर पुन गो गो नारू अदेन हम बागान नको इले लाजुका गो रुक्कन जिन इकुता दा तोबा इगो रुक्कन इन काम काक मा अम्मो मुर को इंदु आकुर कुमाई
ओ बागनम झिंझुर दिनलो इतरम इतवा एवार्ड गोइन पालाई महिलाओं हुसिर बागान वो इकाता दुना इरोद दामा ये तीन चार गोन्यूम लटू इसरम नहीं हुसिर तीन चार गोन्यूम रुक दिनिया नो प्रातार गोला देखो गोला लुक कर पाला बोलो तीसम इडवे नो कोडिया तीसम हिबु इडवे ते और ते हाद वे नो कोडिया I mean, my home develop cool firm la. It na me na. Hem ba oi thala. Well, is it gang na me? Itu mo kumai da. Iba bala yai. E jo ekso aru se gule tu. Jama yi. Nila kada ma. Alolam. Hushir lagi na no kogla lai. Hushir lagi na kogla e. Ni e ja bukam sin ji malaka. E ja bung dorka na ingo kogpa e. Ngo dorka. Bar ni komputan sin ila. Abtung gane. Aliyam jitnam along narola atlaka ngo department in pirib jilai barni kompos ni ngo ile lo ko barni kompos ngo mo e mu doi na bada alpe lagi do ile ngo he nok him jegam yo jegam na yo do kalam kalam mo ba kalam mo ba yo lo bin dak to kalam mo ba wak alka adu wak dolu impact doi Wakdolo alawol kahayam. Alawol alawol kahayam. For 15 ni ilpa. 15 ni kilometer. Wakal tu dos egaro duay. Wakal ikam henesan. Heni. Ni heni. Malo ko heni yam. Jumba at husirbag ne yolo ben. Hokab yo husirbag ang kamo kini yumay. Naru ko kakat heni menje naru menje ko. Kamera ni ibala et kaya na i. ये तो मेरा नियम हो, उनको कहानियाँ लगना मना, वही एकदम मेहनत में ओबागान सिंह माज भी दो, कई जगह तो मुझे सिर्फ बागानी दो, वही थैंक यू नियम हो